हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले को तेजस्वी यादव ने रोड पे उतार दिया। नहीं, बिस्तर लेके पटना में सो जाए, उससे क्या हो जाएगा भैया? वो सब पार हो जाएगा ना, तो बहुत हो जाएगा इस बार। राज्य के मुख्यमंत्री को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को यही युवा 27 साल के लड़का से सीखना चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री आए लेकिन कुछ दे के गए, 3000 सेक्स वीडियो आता, उनको प्रधानमंत्री कहते ठीक है अच्छा आदमी है, सेक्स महिला के साथ सेक्स करता हुआ अच्छा है। 70 साल लग गया 70 रुपया पेट्रोल होने में, अब बताइए 10 साल में 105 रुपया पेट्रोल हो गया। दो चरण में इतना बिहारी दो बार से ज्यादा नहीं ठगाता है, तीसरी बार में ठग लेता है। देख रहे हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। मोदी जी फिर से एक बार पटना में आ रहे हैं, यहां पे तमाम लोग हैं, इनसे ही अब जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर कहीं ना कहीं मोदी के मन में डर समा गया है क्या कि फिर से वो दूसरी बार पटना में आने वाले हैं, क्या कहिएगा मोदी जी फिर से आ रहे हैं? अरे फिर से कहा यही बिस्तर लेके पटना में सो जाए, उससे क्या हो जाएगा भैया? 10 सालों में आपने बिहार को क्या मतलब याद किया? जब इलेक्शन सर पर है, चार चरण का इलेक्शन हो चुका 380 सीट पर, तो आप क्या खोज रहे हैं मोदी जी? तो यहाँ बिस्तर लगा दीजिए ना। 400 का पार करना है? 400 पार नहीं होगा, 400 पार सारा सामान हो जाएगा, आटा चावल दाल जितना बुनियादी यही है, खाने पीने वाला चीज़ सब पार हो जाएगा। एक दूसरी मतलब आए थे तो GST लगा दिए थे कॉपी किताब कलम पर 18%, उसी तरह से तीसरी मतलब आएंगे ने, सब सामान 400 पार हो जाएगा, समझ गए? जनता ने आपको वोट किया था मोदी जी, सबका साथ सबका विकास के नाम पर, कि एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर हम लोगों ने वोट किया 2014 में। आपने कहा था कि काला बैंक में जो स्विच बैंक में काला धन है वो लाएंगे और भारत के हर एक नागरिक के खाते में लेके आ रहे होंगे, एक मिनट 15 लाख रुपया देंगे हर के खाते में, भारत के नागरिक के खाते में। उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा, उन्होंने कहा था कि बिहार में 39 में 39 सांसद दिया, उन्होंने कहा था कि आपको चीनी मिल चालू। दूसरी बार आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं मोदी जी? वो तो आएंगे ही, खुश नहीं है? हाँ बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। ये कह रहे हैं क्यों नहीं आएंगे? आएंगे क्यों नहीं आएंगे, बिस्तर लगा ले यहीं पे कह रहे हैं। वो तो नहीं बोल सकते पर कि आएंगे आएंगे। आखिर दूसरी बार क्यों आ रहे हैं, कहीं उनके मन में डर हो गया है क्या, हदावत मन में बैठ गया है क्या? वो नहीं, वो अच्छा काम किए तब तो आ रहे हैं ना। अच्छा काम किए तब एकदम क्या कहिएगा, कर रहे हैं जनता से मिलने आ रहे हैं, चुनाव प्रचार सब करता है, आते हैं तो जनता को परेशानी होता है पटना में, परेशानी होता है क्या होता है? ठीक है, प्रधानमंत्री जी बिहार में आते हैं, बिहार में देखे क्या जाते हैं, कुछ देखे जाते हैं, कुछ युवा की बात करते हैं या कुछ युवा के बारे में कि हम रोजगार देंगे? अरे अरे सुनो ना, कुछ यहाँ पे हम आए थे उस दिन, ठीक है आए, हमारे प्रधानमंत्री आए लेकिन कुछ दे के गए, कुछ बोले युवा के बारे में, कुछ बोले कि रोजगार हम कुछ देंगे, मुद्दा मैंने रोजगार का है, कुछ बोले रोजगार पे बोले? सिर्फ आने जाने से हो जाएगा मोदी जी? अभी मणिपुर आप जाइए ना, मणिपुर आपका भारत का हिस्सा है, अभी भी जल रहा है। अरे आप लोग मणिपुर में लेके अटके क्यों नहीं जाएंगे? मणिपुर का आदमी वहाँ गया था। अरे वो तो मणिपुर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, पटना आने से कुछ फायदा मोदी जी? इस पर हम लोग बार बार ठगाते हैं, काहे के लिए आ रहे हैं मोदी? अरे उनको पता है ना कि हारने वाले हैं, 3 चरण में पहले हारे थे, 4th चरण में आए थे, वो 4th चरण खसक गया है, और 2 चरण में इतना बिहारी दो बार से ज्यादा नहीं ठगाता है, तीसरी बार में ठग लेता है। बिल्कुल, अभी तो 11,000 करोड़ सुने के देखे गए, मतलब हर महीने चाहिए। बोले थे कि दरभंगा में एम्सो दे दिए, एयरपोर्टो बना दिए, तो बन गया, खाली कहने से हो जाएगा? 2 करोड़ रोजगारों बोले थे कि दे देंगे। अरे भाई 2014 में बोले थे कि पटना सेंट्रल जो है ना, पटना कॉलेज को सेंट्रल कॉलेज बनाएंगे, बना दिए 10 साल पहले बोले, कितना समय लगता है बनाने में, खाली बोलने से हो जाता है? बोले थे कि महंगाई कम कर देंगे, कर दिए। अरे अब आ रहे, आपको तो खुश होने कॉलेज बना दिए मोदी जी से, मैं पहले बहुत खुश था, मैं उनको कहाँ बना दिए हैं, पहले लोग थे वो बनाए हैं ना, वहाँ कौन कॉलेज बना है बताओ, कौन कॉलेज बना है? जो पहले के मुख्यमंत्री थे वो सब तो बना, पहले जहाँ पढ़े हैं वो बने किए हैं, बने जा रहे हैं, पहले तो बने हैं जो पढ़े किए हम लोग, तो काम करने में टाइम लगता है ना, कितना 10 साल घर बना वाला है, कोठरी एक बन गई, कम से कम तुम एयरपोर्ट बने थे दरभंगा के लोग, यहाँ पटना है 10-4 तारीख का रिजल्ट आ जाता है भाई, वाह 4 तारीख का रिजल्ट आएगा, जो काम किया है और नहीं किया है, जो चोरी किया है, जो साधुगिरी किया, सबका रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या कहेगा सर मोदी जी हमारे पटना में फिर से एक बार आ रहे हैं? वो नहीं बोल सकते हम, लेकिन जो सही है देश के लिए वही आएगा, जो जेल में गया वो नहीं आएगा, जेल में जो गया
कैसे आएगा इनके पार्टी में पजवर रेवन्ना जैसे 3000 सेक्स वीडियो आता, उनको प्रधानमंत्री कहते ठीक है अच्छा आदमी है, सेक्स महिला के साथ सेक्स करता हुआ अच्छा है। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार जो 96 करोड़ घोटाला था, मेरे सुनिए मैं घोटाला था वो पार्टी में चला गया सही है, पर शरद रेड्डी जो था शराब माफिया था दिल्ली का, उसमें शरद रेड्डी था ना शराब माफिया था जो केजरीवाल, अरे केजरीवाल जी से भी ज्यादा था, उसको एक दिन में सदस्य अगर बीजेपी का एक दिन का सदस्य ले लिया ना तो सही हो गया, मतलब सब सही है। अरे प्रधानमंत्री ने कहा था हर एक साल हर भारत के नागरिक को 2 करोड़ को नौकरी दिया जाएगा, क्या नौकरी मिला? तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री और थके हुए प्रधानमंत्री है, देश में बदलाव होना चाहिए तब देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। साला घोरा लेखा दौड़ता था, इसके पहले वाला प्रधानमंत्री जो भी था घोरा लेखा दौड़ता था, साला 1,000 करोड़ को दिया है। 70 साल लग गया 70 रुपया पेट्रोल होने में, अब बताइए 10 साल में 105 रुपया पेट्रोल हो गया। अरे 70 साल लग गया 30 रुपया लीटर दूध होने में। आप लोग भी कहिए मोदी जी आ रहे हैं दूसरी बार पटना में, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा सर मोदी जी दूसरी बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे हम भाग रहे हैं जी, बताइए आप लोग मोदी जी आप लोग से मिलने फिर से आ रहे हैं दूसरी बार, इतनी क्या जरूरत पड़ गई उनको बार बार, उनको जोत का जो उनको लोग जनता बुला रहा है वो खुद नहीं आ रहे हैं। 10 सालों तक विकास के लिए जनता ने नहीं बुलाया, जनता इनको इलेक्शन के टाइम में ही बुलाया, जनता को विकास से कोई मतलब, जनता अपने टैलेंट से जाता है कहीं भी, आपको विकास नहीं चाहिए, नहीं बस हमको विकास क्यों चाहिए, हम जहाँ पर हैं वहाँ पे ठीक है, हमको विकास से क्या मतलब है, हर जगह विकास हो रहा है ऐसा कुछ नहीं, विकास हर जगह हो रहा है, हम जब हम पढ़े मोदी जी कुछ भी किए वो दिख रहा है, तब तो ये तीसरा टर्म जा रहा है उनका। सर आपको भी मोदी जी ने क्या विकास किया था सर आपको दिखा है? जी जी मोदी की दी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको आपको हम अगर बताएंगे तो बता नहीं सिलसिले बार दे पाएंगे। बिहार के जब पूरी लहर था 2019 में तो 303 सीट पर अटके थे, इस साल तो उनका लहर नहीं है, युवा वोट नहीं करेगा, किसान महिलाएं वोट नहीं करेगा, तो फिर कैसे 400 पार हो जाएगा? अरे ये अब इसका उम्र हुआ है 18 साल, वोट करेगा पहले, अरे हम लोग ना पता है ये पहले इसका वोटर आई कार्ड में नाम नहीं बना होगा, अरे इसका वोटर आई कार्ड में नहीं बना होगा, अरे इसका आधार कार्ड अभी अथी में बनवा नहीं किया, वोटर आई कार्डो नहीं बना होगा, वोटर आई कार्ड तुम दिखाओ, अरे तुम वोटर आई कार्ड दिखाओ ना जी, अरे आधार कार्ड में नहीं वोटर आई कार्ड 400 पार अरे 200 पार हो जाएगा ना, तो बहुत हो जाएगा इस बार इनको कहने से, मोदी जी क्यों है जब 400 पार है चार्ज उनको, तो मोदी जी प्रचार के लिए जनता बुला रहा है, बहुत प्रेम मिलने के लिए आ रहे हैं, जनता से मिलने आ रहे हैं ठीक है, हम लोग सुनिए हम लोग अच्छा डक बंगला हम लोग देखने गए थे मोदी जी का, हाथ भी नहीं हिलाए थे, बैठे जब मिलने आ पाए थे तो जरा हाथ हिलाते तब आए या चले गए, भाई कुछ तो बोलते तू बात, कोई भाग ऐसी नहीं है, उसके बाद जोगी है जब जिंदा है तब तक, अरे भाई गला मिलना चाहिए, आप लोग भी बिहार के भविष्य है मोदी जी, 400 पार फिक्स है, फिर मोदी जी बार बार क्यों आ रहे हैं प्रचार में, अरे हम लोग भारतीय है, भारत में अतिथि देवो भव आ रहा है, हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं आएगा 2024 में क्यों आ रहा है, अपने संसद में क्लास लेते हैं कि तूने काम किया है कि नहीं, 2019 में तो नहीं आए थे, इसलिए आते हैं, वो छोड़ते किसी को नहीं है, भाग था ना वहाँ पर ड्यूटी देना पड़ेगा पार्लियामेंट में, क्या 2019 में एक सेकंड रोड पर प्रधानमंत्री क्यों घूमता, 2019 में एक बार भी आप लोग जो सांसद है ना ये काम नहीं किए होगा, इनका छुट्टी हो जाएगा जितने के बाद भी, मोदी और चीज सुनिए लोग नहीं रहा है, डेट भी जो रिजल्ट का रखा गया 4 और बोला भी है 400 पार, दोनों मिलता जुलता है, आप सोचिए बात को, कहा लिखा है 4 400 पार, दोनों राशि एक है, रसिया पर काम तो होबे करेगा, इस बार जो मोदी जी को वोट मिल रहा है वो काम पर मिल रहा है, 2014 में नाम सुनिए दर्जा मिल गया, अरे 2014 में चंपारण ने बोले थे ना कि चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे, 10 साल पहले बोले थे चीनी मिल चालू कर दिए, चालू हो गया, यही है चाय पी के जाएंगे, 2014 में मोदी के नाम पे वोट पड़ा था, 2019 में काम पर पड़ा है, 2024 में भी काम पर ही वोट पड़ा है, आपकी बार 400 जब इनको काम पे
जब गांव पे वोट होता तो हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो गाय, अरे अरे सुनो, भैंस ले लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा, अब कहो ना मंगलसूत्र क्यों बात करते हैं भाई, महिला के मंगलसूत्र क्यों बात करते, अब कहो ना कि हम इतना कॉलेज बनाए, इतना हॉस्पिटल बनाए, तब मंगलसूत्र ले लेगा, तब भैंस ले लेगा, भैंस ले लेगा। भैया मोदी जी कौन बना रहा हिंदू मोदी बना रहा, बोले मोदी जी बना रहे हो, तो मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, माने मोदी जी बोले कि मोदी जी, तुम बोले कि मस्जिद ही बना रहा मोदी जी, हिंदू मुस्लिम करते हैं उसी कह रहे हैं, वहाँ मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बन रहा है, तो बोला तो 2000 भैया मोदी जी वाली पार्टी है, मोदी जी दूसरी बार कह रहे हैं लोग जनता से मिलने आ रहे हैं, भैया मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी आजादी है, पूरा विदेश यात्रा कर लिए हैं, अब बिहार यात्रा करेंगे, बिहार का गली गली घूमेंगे, बिहार भाई पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है, तो इस बार राजनीति बिहार का जो है ना आउट है, एकदम गर्म है एकदम, ठीक है, काहे कि हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले को तेजस्वी यादव ने रोड पे उतार दिया, 5 लाख नौकरी को दे के रोड पे उतार दिया, हर राज्य के मुख्यमंत्री को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को यही युवा 27 साल के लड़का से सीखना चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाता है, ठीक है, रोड पे उतारने का काम किया है, यही सबसे बड़ी बात है, मोदी जी आ रहे जनता से मिलने, हैं मोदी जी आ रहे जनता से मिलने, इलेक्शन के पास का है, इलेक्शन के टाइम में क्यों, इलेक्शन के टाइम में क्यों प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप देखिएगा जब वो रोड सभा करेंगे तो कमल का फूल हाथ में लिए रहेंगे, वो लोगों से मिलने नहीं, अपना प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लोगों के बीच में उतर रहे हैं प्रचार करने के लिए, और वो आएंगे फिर कोई ना कोई घटना घटेगा, एक तो चलेगा बेचारे उनके आत्मा को शांति मिले, ठीक है, अब ना जाने क्या होगा, अच्छा यानी कहने का मतलब उनके आए इसीलिए चले गए क्या, आत्मा को शांति मिले भाई, चले देखिए लोगों का राय है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मोदी जी जो आ रहे हैं दूसरी बार वो विकास किए हुए हैं बिहार में, इसीलिए बिहार में जनता से मिलने आ रहे हैं दूसरी बार, वो जनता के बीच में आए क्यों ना, क्योंकि जनता उन्हें चाहती है कि 2024 में भी वो प्रधानमंत्री बने, इसीलिए वो पटना में फिर से एक बार मोदी जी आ रहे हैं। फिलहाल मेरी खबर में इतना ही, आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार, धन्यवाद।